Hello everyone. Welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Wapi. Today we are going to start with our next part of the chapter, called as a plant growth and development. That is plant growth regulator. Okay. So our today's topic is plant growth and regulator. In this, we are going to talk about auxin related, okay, hormones. So now, before entering in this particular Lecture We had already completed the gibberellin, ethylene, cytokinin, and the abscessic acid okay functions okay and the def deficiency also. So, you have to go through all the lectures before you get a particular link with this particular lecture okay. So, hope you guys understood the importance of the remaining lectures. So, let's go ahead. See, plant growth regulators may be defined as a ऑर्गेनिक कंपाउंड एट लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्रमोटिंग इनिबिटिंग और मॉडिफाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जैसे कि हम लोगों ने काफी सारी बात की थी जो बिलीन को लेकर ऑक्सीज को लेके अभी बात करेंगे ही ठीक है साइटोकैनिन के इंट्रोडक्शन के समय में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है ठीक है और इतना ही कम अमाउंट में हम लोगों को काम हो जाएगा लाइक प्रमोटिंग हो जाएगा उसमें ठीक है इनिबिटिंग वाली प्रोसीजर हो जाएगी या तो फिर मॉडिफाई करना होगा कुछ चीजों को लेके या ग्रोथ करवानी होगी ये सारी बातें जो है ना वो छोटे से ट्रिगर के कारण हो जाएंगी ठीक है एक्सेस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे नाउ प्लांट हॉर्मोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी पे क्वेश्चन आते हैं पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एन ऑल तो ठीक है प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज इजाइज इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसलोकेटेड टू द अनदर पार्ट वेयर इट इज यूज्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन व्हिच कॉजेज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स अरे ये बात समझ में ये बनते कहीं और है ओके okay? भेजे कहीं और जाते हैं जा, कई और का मतलब ये है कि जहाँ पे उनको एक्चुअली वर्क करना होता है ठीक है और वो भी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिनको शॉर्टकट में PGRs भी कहा जाता है, जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स रखूंगा इंडोल कंपाउंड अगर होगा तो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जिसको आई ए एडेनाइन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था एनसिकॉर्ल अमीनो प्यूरिन ओके फिर लोगों ने हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे जस्ट प्रीवियस लेक्चर वाले वीडियो में ठीक है सो so, अभी तक नहीं देखा होगा तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो लेक्चर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वॉट आई एम हियर ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम

कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप या तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे मतलब ग्रोथ करेंगे या तो फिर ग्रोथ को स्टॉप करेंगे ठीक है यही दो ग्रुप है तो जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे वो है वो है ऑक्सीन जिप्रलिन ओके और जो ग्रोथ को रुकाने वाले इनिबिटिंग करने वाले जो है वो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में एप्सिक एसिड है ठीक है लेकिन लेकिन इथिलीन भी एक एग्जाम्पल बाकी है ना तो वो सोच के आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो आया ही होगा कि का क्या सिनारियो है फिर फिर ओके कुड फिट आइदर ऑफ द मतलब वो तो तो प्रमोटिंग भी भी, कर सकते हैं या इनिबिटिंग में भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है वो जाना चाहिए लार्जली इट एक्ट लाइक अ इनिबिटर ओके सो ग्रोथ इनिबिट करने में इथलिन का सबसे ज्यादा रोल होता है समझ में आई बात इसलिए इथिलिन को मैंने ऐसे सेपरेटली डिस्क्राइब किया नेक्स्ट The other related growth regulators are, you can say, jasmonic acid, salicylic acid and you can say brassinosteroids. Other than this, what are the next factors? That is vitamins, which can regulate the growth in plants. बात समझ में आई? तो ठीक है, ये कुछ ऐसे examples हैं जो introduction में आज हम लोगों ने देके इसी को अभी ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो हमारा जो main आज का lecture है, वो है auxin जो मैं अभी start करने जा रहा हूँ, ठीक है? डिंग दिन वॉज बेंडिंग ऑफ द प्लांट टू वर्ड मतलब क्या देख रहे हो लोग आप लोगों ने ये बात जैसे डार्विन ने उन, उनके समय में नोटिस की थी वो आप लोगों ने भी आपके uh, समय में नोटिस किया ही होगा दैट इज वॉट सो कि प्लांट जो है वो लाइट के डायरेक्शन में झुकते हैं ये बात आप लोगों ने जरूर सोची होगी लेकिन जिस तरीके से डार्विन ने सोचा है उस तरीके से जरूर आपने नहीं सोची होगी ठीक है लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है डार्विन का जो है वो आगे जाके डिस्कवर हो चुका है लेकिन यस yes, वो सोच जो थी वो मैटर कर गई यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में आया था दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड रिसर्च फील्ड समझ में आ रही है बात तो देखो क्या था दिस फिन विच इज बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ कॉल्ड एज अ फोटोट्रोपिज्म तो एक टॉपिक के बारे में बात करना शुरुआत हो चुकी थी डेट इज कॉल इज अ फोटो ओके नाउ सी नाउ इन देयर एक्सपेरिमेंट डार्विन द सीडलिंग्स ऑफ द कैनरी ग्रास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर लो इसके ऊपर ओके okay? इसको मार्क कर लो मेरी बात को ठीक है इन देयर एक्सपेरिमेंट डारविन यूज सीडलिंग्स ऑफ द कैनरी ग्रास जिसका नाम है पूरा फेलरिस कैनरियंसिस ओके इन विच एज इन मेनी अदर ग्राउंगस्ट लीव आर शीटेड इनगन कोलियोबाइल ठीक है मतलब वो कोलियोबाइल के अंदर होते हैं जो यंगेस्ट लीव जो होने वाले रहते हैं जो बनने वाले रहते हैं वो कोलियोबाइल के अंदर रहते हैं ठीक है थीके? तो इन शॉर्ट कोलियोअपटाइल को हम लोग एपेक्स मान लेंगे फाइन क्या मान लेंगे टिप मान लेंगे नाउसी कोलियोटाइल आर वेरी सेंसिटिव टू द लाइट ओके स्पेशली टू द ब्लू लाइट कौन सा लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू लाइट के लिए मतलब ब्लू लाइट अगर उनके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिंग करते हैं ओके एक्ट करते हैं तो सी इफ इल्यूमिनेटेड ऑन वन साइड विथ अ शॉर्ट पल्स ऑफ ए डीम ब्लू लाइट दे विल बेंड और ग्रो टूवर्ड्स ऑफ लाइट पल्स विद इन एन आर ओके okay, मतलब एक घंटे के टाइम पीरियड में आप लोग खुद देख पाओगे कि जिस डायरेक्शन में लाइट मारी गई है उस पर्टिकुलर कोलियोटाइल के ऊपर उस डायरेक्शन में कोलियोटाइल जो है वो बेंड हो चुका है ठीक है अभी ध्यान तो दो यहाँ पे तो डार्विन फाउंड डेट द टिप ऑफ द कोलियो परसीव्ड द लाइट मतलब कोलियोटाइल के टिप जो है वो लाइट को परसीव कर रहे ओके

लेकिन फिर वो देख के जा रहे तो हमको क्या पता चला है कि वो बेंड नहीं हो रहा है समझ में आ रही है बात ये उसकी प्रॉपर्टी uh, अभी पता चल चुकी है बट द रीजन ऑफ द कोलेपटेल डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट कॉल्ड द ग्रोथ जोन तो अभी जो टिप पोर्शन है जिसको कोलेपटेल कहा है जो कि लाइट के रिस्पॉन्स दे रहा है ओके okay, जो बेंड करवा रहा है उसको क्या बोला गया अभी ग्रोथ जोन करके बोला गया है ठीक है क्या बोला गया है ग्रोथ जोन एंड इट इज सी सेवरल बिलो द टिप मतलब टिप से थोड़ा नीचे तक ये एरिया प्रेजेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टूर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल रहा Darwin's का, का डायग्राम आ रही बात समझ में क्या लिखा है फोर डे ओल्ड ओट ओके कौन सा सीडलिंग ओट सीडलिंग है यहाँ पे ओके एज यू कैन सी दीड ओवर नाउन सेंटीमीटर द वेजिटेटिव पार्ट्स शोन ओवर

वही कैप अगर हम लोगों ने फिर से लगा दिया और फिर उसको लाइट के पास एक्सपोज किया सो वी कैन सी द बेंडिंग ऑफ द टिप अगेन ओके बात समझ में आ रही है ओपेक का कैप का मतलब अभी देखो यहाँ पे ये जो कैप है इसको लेके मैं अभी थोड़े देर में आप लोगों को एक अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा वो दूसरे साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में है लेकिन यहां ओपेक कैप ऑन द टिप नो कर्वेचर विल बी सीन ओपेक कैप मतलब अभी यहाँ पे मानो कवरिंग कर दिया ओके okay? फिर उसको लाइट के डायरेक्शन में एक्सपोज कर दिया तब वो कोई भी बेंडिंग नहीं दिखाने वाला दैट इज हैट आई मीन एक्चुअली ओवर ओके okay? और जो बाकी का है सीनारियों वो हम लोग अभी देखेंगे तो जैसे कि नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए सी यही नोट को आप लोग समझ लो आपको पूरा थे समझ जाएगा जैसे कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द द फोटोट्रोपिज्म ओके फोटोट्रोपिज्म जो है टॉपिक चल रहा है उसको समझो अभी डार्विन कंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ एटीन एटी दैट अ ग्रोथ स्टिम्यूलस और सिग्नल्स प्रोड्यूस ओके

है वो नीचे फ्यू मिलीमीटर एरिया तक वो सप्लाई भी हो जाता है मतलब मान लो इतने एरिया तक वो सप्लाई भी हो जाता है जिसके कारण हमको क्या देखने मिलता है कि ये जो एरिया है वो इस तरीके से बेंड हो गया है बात समझ में आ रही है लेकिन अभी इसको थोड़ा सा अलग समझो ये जो एरिया था ये लाइट को एक्सपोज कर रहा है ये एरिया जो है ये लाइट के एक्सपोजर में फाइन लेकिन आप लोग अगर देखोगे कुछ तो ऐसा था कोलियोप्टाइल के अंदर जिसने उसको पीछे के सेल्स के ऊपर एक्ट करवाया और पीछे के सेल्स जो है वो साइज में ग्रो कर जाएंगे पीछे के सेल्स क्या हो जाएंगे साइज में ग्रो करेंगे होंगे ना देखो अगर ये ये चीज पे बेंड बेंड हो रही रही है है तो ये तो कम होगी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ की जो बेंडिंग है वो सबसे ज्यादा कर्वेचर की है समझ में आ रही है और वो कब पॉसिबल है जब जो भी अनशेडेड एरिया ये जो एरिया है वो लाइट को एक्सपोज नहीं है मतलब एक्सपोजर किधर है लाइट का इधर है समझ में आ रही है बात ये अपोजिट साइड में नहीं है मतलब कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जो पीछे के सेल्स में डिपॉजिट हो रहा है और उनको ट्रिगर कर रहा है कि तुम लोग तो अभी इलागेट हो जाओ मतलब जब पीछे के सेल्स इलांगेट होने लगते हैं तो उनका जो प्रेशर है वो आगे के सेल्स के ऊपर गिरने लगता है सिंपल सी बात है है ना तो इसी के वजह से आपको कोलियोफ्टाइल में बेंडिंग्स देखने मिलती है तो बैक साइड ऑफ द सेल्स आर गेटिंग इलांगेटेड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू विल सी द बेंडिंग इन द कोलियोटाइल रीजन ठीक है Understood very clearly, एकदम simple में। अभी हैं हमारे PDF फाइल के ऊपर, ठीक है? So see, मैं फिर से पढ़ता हूं यह पैराग्राफ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना जरूरी है सी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन दॉलियोट्रोपिज्मीस कंक्लूडेड इन ईयर ऑफ 1880 दैट अ ग्रोथ स्टिम्युलेस और प्रोड्यूस इज

और वो एक बुक में पब्लिश किया गया था जिसका नाम है पावर ऑफ मोमेंट इन प्लांट्स ओके इंपॉर्टेंट है एक तरीके से ध्यान में रखने के लिए ओके okay? ओके बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पावर ऑफ मोमेंट इन प्लांट्स अभी बात करते उनके जो बेटे थे उनके एक्सपेरिमेंट के बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं डिस्क डैट द्रू द जिले बट नॉट थ्रू द वॉटर इमलियस माइका मतलब कहने का मतलब यह है यहां पर मैं बता देता तो हूं पहले क्या क्या, क्या चीजें यूज की है जिलेटिन एक सब्सटेंस है जो कि जो भी ग्रोथ स्टिम्यूल सबस्टेंस होंगे ना टिप रीजन में वो उस जिलैटिन में जा सकते हैं लेकिन जो भी इम्परमिएबल बैरियर्स होते हैं ना अगर मैं वो टिप को देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे लेकर चलता हूं फिर से आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है ये ओके तो देखो पहले ये ड्राइंग जो है उसको क्लियर करते हैं फाइन ये मैं आपके सामने कोलियप बना दिया इसके टिप में ऐसा कुछ ना कुछ ग्रोथ फैक्टर रहेगा ना जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट आर यू अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट के कारण हो रहा है और वो नीचे फ्यू सेंटीमीटर तक भेजा भी जा रहा है ठीक है तो अब ध्यान में क्या आ रहा है कि हम लोग इसको काटेंगे डी करेंगे और तो डी करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा है कि नहीं तो ये ऊपर की जो टॉप पोर्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे एक जेल के ऊपर रख देंगे तो ये मानो जेल है इसको मैं लेबल कर देता हूँ ओके ओके सब्सटेंस पकड़ पकड़ लो okay, पकड़ लो जेल इसके ऊपर ये टिप को रख दिया फाइन अब अब क्या करेंगे इस जेल को हम लोग काटेंगे इस जेल को क्या करेंगे हम लोग ऐसे पीसेस में काट देंगे तो जब वो ये तो तुम्हारा कोलियपटल है जिसका ऑलरेडी टिप पोर्शन कट गया है अब क्या करा वो जेल इसके ऊपर रख दिया

वॉट वी एबल टू सी ओवर ये हो गया ठीक है और दूसरा अगर मानो ये कोलेप्टीजन है और यहां पर मैंने उसको काट दिया ठीक है यहां पर मैंने उसको काट दिया और अब ये जो डी कैपिटेटेड एरिया है इसके ऊपर मानो कुछ और चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है और ये जो टिप पोर्शन है इसको मैं उठा के किसी और सब्सटेंस के ऊपर रख देता हूँ माइका पकड़ लेते हैं हम लोग इसको क्या पकड़ लेते हैं माइका एम आई सी ए माइका स्ट्रिप्स पकड़ लेते हैं ठीक है तो ये मैं जो कैप है वो इसके ऊपर रख रहा हूं। लेकिन ये जो है ना सब्सटेंस ये इसमें जा रहा ही नहीं है इसमें डिफ्यूज हुआ ही नहीं तो इसमें डिफ्यूज हुआ नहीं तो ये वाली एक्टिविटी करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि जब ये मैं रखूंगा लाइट के एक्सपोजर में मुझे कोई भी बेंडिंग पोर्शन नहीं दिखने वाला है क्योंकि माइका स्ट्रिप जो है इट इज इम्परमीएबल है ना इम्पर्मेबल टू द सबेंस विच इज एक्चुअली गेटिंग डिफ्यूजेंस इन द अगर जल जो हम लोगों ने देखा था आपको पता है वो ऑक्सीजन है ठीक है जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है आपको पता है वो ऑक्सीजन क्या हो गया जल के अंदर डिफ्यूज हो गया ठीक है और वही जेल जब मैंने वो जो कटे हुए पोर्शन थी उसके ऊपर रखी तो बेंडिंग देखने मिला लेकिन जब माइका एक ऐसा मटेरियल है जो कि ऑक्सीजन को उसके ऊपर आने ही नहीं दिया तो अगर मैं माइका स्ट्रिप को फिर से उस कटे हुए पोर्शन पे रख दूं तो मुझे कोई बेंडिंग देखने मिलने वाला नहीं है ओके दैट इज वॉट द इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ओवर हियर ओके समझ में आ रही है बात तो अभी थोड़ा सा पी को देखते हैं ताकि ता आपको जो और क्लियरेंस मिल जाए यहाँ से तो देखो माइका प्लेट इज एन

यहाँ पे स्टिमुलस मिल रहा है जो सब्सटेंस है वो नीचे जाना चाहिए था पीछे जाना चाहिए था लेकिन वो हुआ ही नहीं क्योंकि मतलब मतलब लेकिन आपको पता है वो क्या करता है वो ट्रिगर करता है बैक साइड वाले एरिया में तो पीछे के सेल्स जो है वो इलांगेट होने लगेंगे जब पीछे के सेल्स इलांगेट होने लगेंगे तो बट ऑब बात है वो झुकेगा ओके सो ऑन द लाइट साइड

When the mica placed on the exposed side, it does not prevent bending growth. In combination with the previous observation, this suggests that the growth promoting substance is chemically and moving down the shaded side. इससे हमको ये पता चलता है कि वो जो chemical substance है, वो back side में जा रहा है, shaded side में और दूसरी बात वो नीचे के direction में आ रहा है, ठीक है? This is confirmed from the experiment. लेकिन फिर भी अभी तक पूरा confirmation आना बाकी था, okay? Darwin's के बाद जो आपने देखा अभी हम लोगों को जो फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा वो ये साइंटिस्ट देंगे हमारे लिए ओके? बॉयसन एंड के बाद हमारे पास आ रहे हैं वेंट तो वेंट साइंटिस्ट ने हमको इसका फाइनल कंफर्मेशन दिया वो कब है इन द ईयर ऑफ 1926, ओके बाय ओके बाई वेंट वेंट्स स्टडीज बाय अगर ब्लॉक्स डेमोन्स्ट्रेटेड यूनिक अन इक्वी वोकली डेट द ग्रोथ प्रमोटिंग

बढ़ते हैं आगे ओट का पूरा नाम जो है अवाइना सटाइवा है और वेंट गेव द टर्म ऑक्सीजन एंड डिस्कवर्ड इट ओके सो फाइनल कंफर्मेशन केम फ्रॉम द वेंट इतना तुमको ध्यान रखना है डार्विन्स ने काम किया था कैनरी ग्रास पे ओके और वेंट ने काम किया था ओट के ऊपर ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना ही है बढ़ते हैं आगे तो ये रहा वेंट का एक्सपेरिमेंट कोलेप्टाइल टिप्स को उसने जेलेटिन पे रख दिया फिर उन सी टिप्स डिस्कार्डेड जिलेटिन कट द स्मॉलर और उसके बाद वो जिलेटिन जब इसके ऊपर रखा तो उसने एक 45 डिग्री का एंगल मेजर कर लिया ठीक है जो कि कि बताता है यस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द बेंडिंग नेचर ओके मतलब आप समझ गए यहां से नाउ इनके बाद थोड़े और इंटरेस्टिंग टर्म्स को समझते हैं ऑक्सीजन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और भी हैं जिन्होंने और भी ऑक्सीजन को आइसोलेट किया डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है कोगल एंड थीमैन ओके आइसोलेटेड एंड स्टडी केमिकल नेचर ऑफ फाइन केमिकल नेचर का जो ऑक्सीजन का है वो उनके बारे में स्टडी कर लिया ये दोनों साइंटिस्ट ने इतना ही नहीं कोगल ने खुद अकेले ने आइसोलेट कर लिया ऑक्सीजिन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन ओके थीमैन ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन फ्रॉम द राइजोपस उसके बाद सी द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन इज नॉट एट ऑल completely understood yet okay so kogel and thiemann also isolated another auxin jiska naam hai heteroauxin from the human urine sample itself okay precursor of heteroauxin jo hai wo hai tryptophan ye kind of you can say important point hai aapke liye okay कुछ ऑक्सीजन है जो कि आपको मेजा फॉलिंग टाइप के क्वेश्चंस बना के देंगे तो यस इट इज अ very वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलेगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है और उसको रीड करना है

Roots are to the High अगर मैं उनमें ब्लॉकेजेस देखने मिलेंगे यू नो वट इज सियस राइट दीज आर द्लो एम एलिमेंट्स राइट सही बात है जो कि फूड कंडक्टिंग करने में मदद करते हैं अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है

everyone knows that what is parthenocarpy auxin promotes development of the fruit even in absence of the pollination okay and fertilization so this is caused to the development of the seedless fruit bas samajh mein aayi parthenocarpy ka matlab hi hota hai seedless fruit auxins are used to delay the growth of the lateral bud thus the dormancy period of the bud can be increased

ठीक है रूट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ द लैटरल रूट्स एंड रूट्स बट इनहिबिट द रिटार्ड इनहिबिट और रिटार्ड द प्राइमरी रूट सिस्टम ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन केस ऑफ द पाइनएप्पल दैट इज द अनानास दैट ये रिपीट हो गया पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिन लेयर सो इनहिबिट फ्रूट फॉल एंड द लीफ एपसिशन विल बी देयर ओके, सो ये पॉइंट में क्या हो रहा है एप्सिशन जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, सी, क्लियरली जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर आल्सो सो दैट यू कैन मेक अ लिंक फाइटो हार्मोन्स दैट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ओके कीप रीडिंग एनसीईआरटी मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर